गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो क्लास टेस्ट लिया था, उस क्लास टेस्ट का पेपर का पूरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो आप क्या करें, अपना पूरा ध्यान बोर्ड पे रखें। जो आपका पूरा अटेंशन होना चाहिए वो बोर्ड पे होना चाहिए। पहला क्या करेंगे, आप पूरा इस पेपर को देखेंगे, फिर आपको होमवर्क के रूप में वही पेपर को वापस क्या करना है, सॉल्व करना है फेयर नोटबुक में दोबारा, ठीक है, ताकि आपके ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो बहुत इजी था, मल्टीप्लिकेशन था। केवल क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, वो भी 3 डिजिट का, 2286 को मल्टीप्लाई करना था हमें 125 से। पहले आप इसको अरेंज कर लो, 286 इस 125 क्रॉस 5 की टेबल बोलनी है 6 टाइम, 5 की टेबल जब 6 टाइम बोलेंगे तो आएगा 30, 30 का आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है, 3 कैरी। आप 5 की टेबल बोलना आपको 8 टाइम, 5 8 40 40 और इसमें हो जाएगा 43, 43 का भी आपको लिखना है 3 और जो इसका 4 है वो आपको कैरी में लिखना है, ठीक है। अब आपको 5 की टेबल बोलनी है 2 टाइम, 5 2 10 और 10, 5 2 10 और 4 हो गए 14। अब आपको पूरा 14 लिखना है, क्यों, क्योंकि ऊपर कोई है ही नहीं। अब आपको लगाना है 1 क्रॉस और क्योंकि टेबल खत्म हो चुकी है 1 टेबल, अब सेकंड टेबल लेंगे इसलिए क्रॉस लगा दिया मैंने यहां। अब 2 लगाते हैं, 2 की टेबल 6 टाइम बोलेंगे तो आएगा 12, 2 6 12, 12 का आपको लिखना है 2 और 1 कैरी, 2 8 16 और 1 17, 17 का आपको लिखना है 7 और 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। अब आपके पास ये भी खत्म हो गई, डबल क्रॉस, ठीक है। अब आपको 1 की टेबल 6 टाइम, 1 6 6, 1 8 8, 1 2 2, अब आपका खत्म। अब आपको प्लस करना है, 0 के नीचे कुछ नहीं, अकेले ही 0, 3 और 2 हो गए 5, 4 देखो 6 और 4 10 और 7 17 का 7, 1 कैरी, 8 और 1 9 और 1 10 और 5 15 का 5, 1 इसमें कैरी, 3। तो ये आपका आंसर क्या आएगा, 35,750 इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर था, इसको मैच करो। अगर आपका ये कोई भी डिजिट मिस्टेक आ रहा है, इसका मतलब पूरा आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। तो पेंसिल से क्या करना है, पेंसिल यूज करनी है, पेन नहीं, पेन मैं यूज करूंगा, ठीक है। पेंसिल से आप अगर राइट है तो राइट, रॉन्ग है तो रॉन्ग लगा दो, उसको मैच करो आप पहला, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अब ये देवनागरी स्क्रिप्ट है, इसके डिजिट बिल्कुल आपको स्पष्ट होने चाहिए। वापस आप इसको अरेंज करो, ये 7 है, ये 1 है, ये 5 है, ठीक है, ये 2 है, 6 है और 0 है। 0 5 0, 0 1 0, 0 7 0, 6 5 30, 30 का 0, 3 6 1 6 और 3 9, ठीक है, 6, ये 6 और ये 7, 6 7 42, 42 को आप कैसे लिखोगे, देखो 2 को कैसे लिखोगे, ये 2 और 4 आप कैसे लिखते थे, ये 4, आप डबल क्रॉस लगाना है, 2 5 10 का 0, 2 1 2 और 1 3 और 2 7 14, 14 का ये 4,
जीरो जीरो नाइन का नाइन, ये हो गए आपके थ्री और टू फाइव, फोर और फोर हो गए एट, एट आप ऐसे लिखो या एट ऐसे भी लिख सकते हो, और ये वन का वन, राइट ऑन दिस, ये भी आप मैच करो। एक एक डिजिट प्रॉपर होना चाहिए, ये भी अगर आपका रॉन्ग आया है तो पेंसिल से क्या करोगे, हल्का सा रॉन्ग, ये एट है ना, एट ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, दोनों राइट है आप, एट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देख लो आप इसको आराम से एक बार। अब हमारे पास में आ पैकेट कंटेन क्वेश्चन थ्री है, आ पैकेट कंटेन 225 ट्रॉफीज, हाउ मेनी ट्रॉफीज विल देयर इन 45 कंटेन 45 पैकेट्स। तो देखो वन पैकेट कंटेन ट्रॉफी, वन पैकेट कंटेन ट्रॉफी, एक पैकेट में कितनी ट्रॉफिया है 225, जो एक पैकेट है उसमें 220 आप पैकेट का मतलब एक पैकेट में 225 ट्रॉफीज है, तो ऐसे आपको कितने पैकेट में पूछा है 45 पैकेट। तो मैंने बोला था जब भी आपको एक से ज्यादा का पूछे वो हमेशा मल्टीप्लाई करना है, तो पैकेट कंटेन ट्रॉफीज 225 मल्टीप्लाई कर लो आप इसको 45, ठीक है, तो यहां कर लो 225 को 45 से मल्टीप्लाई करना आपको, 5 5s are 25, 2 कैरी, 5 2s are 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 2s are 10 और 1 11, 5 4s are 20, 4 2s are 8 और 2 10, 4 2s are 8 और 1 9, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 10, तो कितनी हो गई देखो, ठीक है इतनी ट्रॉफीज हो गई, यहां लिख लो आप 10,125 ट्रॉफीज, ठीक है, ये भी आपका जो है कंप्लीट है, थर्ड है। फिर हम लेते हैं फोर्थ, एक ट्रॉफी एक पैकेट दे रखा था और एक पैकेट की ट्रॉफी दे रखी थी, आपको एक से ज्यादा की ट्रॉफी पूछी है तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब इसका रिवर्स आएगा, छाया बॉट 20 कॉपीज फॉर, छाया ने कॉपी खरीदी 20 कॉपीज बॉट फॉर 360, छाया देखो 20 कॉपीज बॉट, जो 20 कॉपीज है वो बॉट खरीदी हमने कितने रुपए में 360 में 20 कॉपीज। अब हमें एक कॉपी का पूछ रहा है, वन कॉपी, मैंने बोला था ये ज्यादा देर के एक का पूछे, जब भी एक का पूछे हमेशा डिवाइड करना, वन कॉपी बॉट तो 360 को डिवाइड करो आप 20 से, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 20 से डिवाइड कर लो आप 360, 20 2s are 40 हो जाता है, 21s are 20, 6 और 1 ऊपर से उतार लिया 0, ये 18 रुपए, यानी ये जो नोटबुक है वो कितने की है 18 रुपए की है, ठीक है, एक का पूछे तो डिवाइड करना है और एक से ज्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका, डू इट फास्ट, ये भी आप चेकआउट कर लें।
अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है डिवाइड वाला, थ्री हंड्रेड सिक्सटी को डिवाइड करना है। अगर आपको दिमाग होता तो आप दोबारा, ये आया है आपका पीछे वाला, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको क्या करना है, इधर उधर से कॉपी पेस्ट करना होता है। आपका ध्यान, आपकी मेमोरी कितनी है, ठीक है, 21 से 26 और ये 8 टाइम, ठीक है, 18, ये हो गया। तो कुछ क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते हैं ताकि बच्चे ध्यान रखे, उसने कितने क्वेश्चन अब ध्यान से पढ़ाया है, उसको वापस रिपीट हुआ या नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप कर ले फटाफट। इसके बाद में हमारा है एक देवनागरी स्क्रिप्ट में है, वो है सेकंड, फोर, थ्री, सेवन, वन। तो देखो ये है फोर, ये है थ्री, ये है सेवन, ये है वन, ये है सिक्स। तो ये वन सिक्स, वन सिक्स सिक्सटीन, ये मेरे पास फोर, थ्री, सेवन, तो यहां फोर थ्री फोर्टी थ्री है, फोर थ्री फोर्टी थ्री है, यहां पे वन सिक्स सिक्सटीन, तो सिक्सटीन टू जा, ये 43 है, 16 से जा 48 हो जाता है, तो 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 1 3, 3 में से 2 गया बचा 1, 4 में 3 गया बचा 1, ऊपर से उतारा 7, 1 1 7 देखो, ये हो गया अपना 117, ठीक है, 117 हो गया। यहां हमारे पास में 16, तो ये 7 टाइम जाएगा, 7 टाइम, ठीक है, तो 7 टाइम हमारा हो जाएगा, तो ये हो गया 0 5, ठीक है। तो ये जो हमारा पेपर है वो पूरा कंप्लीट होता है, आप इसको मैच कर लेना, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर है। तो इसी के साथ जो आज अपनी क्लास है वो फिनिश होती है। आपको ये पूरे पूरा पेपर होमवर्क में करना है, कल अपन नेक्स्ट बुक के स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है, कल अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।